बारात तो देखी सबने, बारात होती है, बारात में जिस गांव से दूसरे गांव जो बारात जाती है जिसमें 80% नए युवक जाते हैं और उन्हें उस गांव के बारे में ठीक से पता भी नहीं होता। 80% युवाओं में 40% लोग कुछ पीने वाले भी होते हैं जिन्हें बेवड़ा कहते हैं, पौवा वाले। तो वो घर से रुपया डालकर इसीलिए जाते हैं कि बारात में जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी लेंगे, तो वो इस जेब में डाल लेते, ये पौवा के काम, ये चखना के काम आएगा। हाँ, वो चखना ही कहते ना ऐसे। हाँ, तुझे ज्यादा ज्ञान है हो, का कहते, खड़ा हुई जा, पीछे वाला, पीछे वाला, पिछका, का कहा तो बबुआ, का कहा था, लेत रहो का, तो कैसे ज्ञान हुई गवा। सुनाए हैं, यानी हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम देखे हो अपने आंखों से। अच्छा तो बैठ जाओ, भाड़ में गया एक ठैया गवाए तो मिल गया, भाड़ में गया तो जो पीने वाले होते ना वो आगे की जेब में कुछ रुपया डालते, कुछ बगल में खाने के, कुछ गाड़ी के लिए तीसरी जेब में डालते ना, तो चल पड़ते कहां, बारात के लिए। भैया बारात में सब पहली बार उस गांव जा रहे होते, ज्यादातर ठीक से लड़की वालों का घर भी पता नहीं होता, ठेका तो दूर की बात, पर बारात पूरी उतर नहीं पाती, पीने वाले ठेके पर पहुंच जाते। हाँ, दूल्हा आगी को लगो, दुल्हन के घर नहीं पहुंच पाऊ और पीने वाले टुन्न होके आई जात के नागन डांस करवावा हो भैया। लड़की वाले ढंग से स्वागत नहीं कर पाते, मिर्चवानी नहीं दे पाते और पीने वाले टुन्न होके पी के आई जाते के हो गया मिर्चवानी, लड़की लाओ, आ जयमाला होने दो, हाजी या ना जी बोलो ना, क्यों। और वो सब पहली बार जा रहे होते उस गांव, लेकिन उनका संकल्प है कि हमें ठेका ही चाहिए, उनका दृढ़ है कि हम ठेका पर जाएंगे उतरते ही, तो ठेका को मिलना ही पड़ता, पौवा को मिलना ही पड़ता। वो जाते ही दरवाजा खटखटाते, टन टन, मिलत है का, ऐसे नहीं, चल भाग आगे जा, भैया बंद कर लो, सॉरी, अब बंद, दूसरे मकान में, ठन ठन ठन, काय हो भैया, पौवा मिलत है का, कान लाओ जरा, कान, काय हो भैया, पौवा कहाँ मिलत है, ऐसे नहीं मिला, पौवा की बात, ब्राह्मण का घर है, आगे जा, सॉरी सॉरी महाराज जी, पंडित जी बुरा ना मानियो, ललक लगी ललक। अब वो धीरे धीरे पौवा के ठिकाने पर पहुंच जाते, बुरा मत मानिए, युवाओं को निवेदन है, मैं प्रार्थना करूं जब पीने वाले पौवा वाले को अनजान गांव में पहली बार में आधा घंटे में जब ठेका मिल सकता है तो तुम्हें क्या जीवन भर में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, तुम्हें जीवन भर में राम जी प्राप्त नहीं हो सकते, तुम्हें जीवन भर में हनुमान जी प्राप्त नहीं हो सकते, हनुमान जी को मिलना पड़ेगा, राम जी को मिलना पड़ेगा, कामयाबी को मिलना पड़ेगा, हौसला बुलंद होना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर ललक होना चाहिए, आपके अंदर ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जब तक ये लक्ष्य मिल नहीं जाएगा तब तक हम चैन से ना सोएंगे ना चैन से खाएंगे। और फैल कौन होते हैं, वो फैल होते हैं जिन्हें रोज सूर्य भगवान जगाते हैं, और जो सूर्य को जगाते हैं कामयाबी के लिए वो कभी फैल नहीं होते। इसी प्रकार हनुमान जी ने राम जी को पाया और राम जी को पाकर के, राम कृपा को पाकर के राम दूत हनुमान लंका जैसे नगर में, लंका निशिचर निकर निवास, निशाचरों की नगरी में हनुमान जी महाराज जाकर के एक सज्जन ढूंढ लेते हैं, कौन, विभीषण, अपना यार, चिलम चिलम बारे 2 मिनट में ढूंढ लेते हैं,
हमारी तुम्हारी दोस्ती के लिए 4-6 महीना फोन से हलो हाय होगी, तब दोस्ती बन पाएगी। चिलम वालों की 2 मिनट में काय ले हो का, चिलम डाले हो का, काय हो भैया गांजा हुई का, अरे भैया माचस तो हम पे है पर चिलम ना है, पत्ता की बना लो। अब बाद में जब पीने पी लेते तब पूछते कहां से आए। हाँ, और एक और देखना बुरी विचित्र बात, हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी तो 4-6 महीना देखेंगे नहीं, चिलम वाले सुबह लड़ लेंगे और शाम को फिर माए भाड़ में गो एक एक सुट्टा तो लगाए लो। नशा वालों को अलग करना बड़ा कठिन है। नशा वाले कहते हैं दम भाई तो निज भाई, बाकी भाई घिसर पिटर। हाँ, नशा वाले कहते हैं दम भाई तो निज भाई, बाकी भाई घिसर पिटर। हाँ, घिसर पिटर। तो नशा वाले 2 मिनट में मोहब्बत कर लेते हैं आपस में। लेकिन मैं निवेदन करूं, जब चिलम पीने वाले दोनों मित्र बन सकते हैं तो दोनों राम को एक जपने वाला और राम को दूजा जपने वाला क्यों नहीं मित्र बन सकता।